आज जो ये मीटिंग रखी, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, विशेष मकसद भी है। वो विशेष मकसद है जो राजस्थान के साथ में धोखा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सिपाही सालों ने, जो केंद्रीय मंत्री है, पानी के मंत्री भी है राजस्थान के, 25 MP राजस्थान के, गीता के बेटा। एक काम हमने शुरू नहीं किया था, पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा राजे सिंधिया जब थी मुख्यमंत्री, तब शुरू किया गया ERCP का काम, नवनिर्मित बांध। 2 लाख हेक्टेयर में तो होगा सिंचाई, 13 जिले में पीने के पानी की योजना है वो, और चंबल कालीसिंध पार्वती की नदियों का पानी बहकर के व्यर्थ में जाता है। आप बताइए, उस पानी का उपयोग करने का जो योजना बनी थी, आज वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है, हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 17वीं क्यों नहीं बन सकती है? वह नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी मैं 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है, रामगढ़ बांध को जोड़ दिया मैंने, तो कमी हमारे वक्त फर्क नहीं रही है। बजट मैंने पहले 9,000 करोड़ रखा था, इस बार 14,000 करोड़ कर दिया। तो एक तरफ तो ये भाया बैठा हुआ है, आप बताइए, पिछली बार जब है सरकार हम लोग थे, ये परमन वृद्ध सिंचाई योजना 7,000 करोड़ की, उसको लागू करके ही रही है। ये भाई की जिद थी, मैंने वादा किया चुनाव में ये योजना पूरी होगी। राहुल गांधी जी आए थे शिलान्यास करने के लिए, मुझे कहते घर है, वो काम हमारे वक्त पर शुरू हो गया। जो वादा किया है तो निभाना चाहिए, मुझे दुख है कहते हुए वादा निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए हमने तय किया है, राहुल गांधी जी खुद चाहते थे, ये बड़ा मुद्दा है, खड़गे साहब चाहते हैं, वेणुगोपाल जी ने आके मीटिंग करी हमारे साथ में। ERCP कितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, उसके लिए संगठन महासचिव दिल्ली से आए, बैठ के तय करे कि हमें 13 जिले में कैंपेन जो है उसकी शुरुआत 12 से करनी है। 13 जिले में हम जाएंगे, कहीं मीटिंग छोटी होगी बड़ी होगी, पर गांव-गांव में संदेश पहुंचाएंगे कितना बड़ा धोखा राजस्थान के साथ में हो रहा है। ये खाली ERCP में कोई 13 जिले की बात नहीं है, कई मुद्दे ऐसे होते हैं पूरे स्टेट में इम्पैक्ट पड़ता है उसका। आज मैं बीकानेर जाता हूँ, जोधपुर जाता हूँ, वो भी कहते हैं ERCP के लागू क्यों नहीं करें लोग, तो जानते हैं इंदिरा गांधी कैनाल 50 साल पहले शुरू हुई थी, रेगिस्तान के इलाके थे, जोधपुर के, मारवाड़ के, बीकानेर के अकाल पड़ते थे। इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद में किसानों की सिंचाई हो रही है, पीने का पानी मिल रहा है, वो जानते हैं कि ERCP योजना पूरी होगी कितना बड़ा लाभ मिलेगा 13 जिले के लोगों, करौली हो, धौलपुर हो, सॉरी माधोपुर हो, भरतपुर हो, अलवर हो, टोंक हो, आपके बूंदी हरुदपुरा आता है, अजमेर तक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है, क्योंकि वसुंधरा राजे के इनकी मंत्री नहीं है, उनका खुद का मामला है, घरेलू मामला, हम उस पर कुछ नहीं करना चाहते। गुस्सा आपको वसुंधरा राजे पर है, आप राजस्थान की जनता का धोखा क्यों कर रहे हो, उनके साथ में आप क्यों धोखा कर रहे हो, योजना को राज्य परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे हो वादा करने के बाद में। PM ने खुद ने नाम बोले 13 जिले के, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, उसके बाद में क्यों नहीं अपना रहे वो लोग, मैं पूछना चाहूंगा। 25 MP दिए राजस्थान ने उनको, उसके बाद में क्या तकलीफ है उनको, ऐसे आपके MP बन के चले गए, एक शब्द नहीं बोला वापस जाकर के दिल्ली के अंदर ERCP के बारे में। इसलिए आज मीटिंग उस काम के लिए शुभारंभ हो रहा है, आगे हमारी मीटिंग हर जिले में होगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, शानदार काम हुआ है राजस्थान के अंदर, कमी रखी नहीं है, वादे किए पिछले चुनाव में, कर्जा माफी हो किसानों की हो, घोषणा पत्र की बातें हो, हमने करीब 90% पूरा किया उस वादे को, कानून ऐसे पास किए हैं
स्वास्थ्य का अधिकार हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं पर नहीं दिया गया, कानून बना के वो हमने दिया है आपको। गिग वर्कर का एक्ट बनाया मजदूरों के लिए, आप सोच सकते हो। शहरी रोजगार योजना लागू कर दी राजस्थान के अंदर, इंदिरा रसोई में खाना मिल रहा है शहरों के अंदर गाँव के अंदर, ऐसी पॉपुलर योजनाएं बनाई हम लोगों ने। आज राजस्थान में घर घर में उन योजनाओं की चर्चा है। अब ये जो धनबल के आधार पर ये जो फांसी से ताकते बैठी हुई है, ईडी इनकम टैक्स का उपयोग कर रही है दबाव देने के लिए, लोकतंत्र को खतरा इसीलिए है, जुडिशियल दबाव के अंदर है। आम सबको सोचना पड़ेगा हमें किस दिशा में देश को ले जाना है। राजस्थान शांति प्रदेश प्रदेश रहा हमेशा, यहाँ चौमुखी विकास हुआ हमारे वक्त के अंदर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि खड़गे साहब भी बोलेंगे आपके सामने, उनकी तकरीर सुनने लायक होती है, एक एक शब्द का उनका अर्थ होता है। मैं चाहूँगा कि वो हमें यहाँ सम्मिलित करेंगे। मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा, हम तो आते रहेंगे आगे भी, पहले भी आप मुझे सुनते हो रोज टीवी के अंदर लाइव चलता सुनते हो, कोई बात मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अभी खाली इतनी बात मैं कहना चाहूँगा, इस बार आप जो आए हो पूरे हड़ौती से आए हो, बारह झालावाड़ के लोग आए हो, सबको मैं आह्वान करूँगा इत्यार बनाएं आप लोग, जो काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से